हेलो गाइज, मैं राहुल सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रोथ पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले स्टैंड अप इंडिया के बारे में। स्टैंड अप इंडिया के बारे में तो आपने बहुत ही सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा समझा होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा रियल में कि स्टैंड अप इंडिया होता क्या है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंड अप इंडिया के ही बारे में। दोस्तों, स्टैंड अप इंडिया का यहाँ पर मतलब है कि हमारे देश में जो बैकवर्ड क्लास के पीपल हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, लाइक SC ST और वोमेन। देखिए, SC ST स्टैंड अप इंडिया मेनली है किसके लिए? स्टैंड अप इंडिया मेनली है SC के लिए, ST के लिए, जिसे हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं और शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, ठीक है, SC और ST। और वोमेन जो है वो किसी भी कास्ट की हो सकती है, मतलब जनरली किसी भी कास्ट की हो सकती है वोमेन, ठीक है, लेकिन SC और ST होना चाहिए, ठीक है। तो इन तीन को ही अब स्टैंड अप इंडिया के अंदर लाया जाता है, स्टैंड अप इंडिया के अंदर रखा गया है। पहला है वोमेन, जो कि किसी भी कास्ट से हो सकती है, और दूसरा है SC और तीसरा है ST। SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट एंड ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। तो दोस्तों, आपको बता दें कि स्टैंड अप इंडिया के अंदर ये तीन लोग आते हैं, वोमेन, SC ST। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इसे गवर्न करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। स्टैंड अप इंडिया को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्न करती है। दोस्तों, स्टैंड अप इंडिया का जो काम होता है वो मेनली लोन प्रोवाइड करना होता है, या लोन को फैसिलिटेट करता है, लोन को प्रोवाइड करता है किसको? तो SC ST और वोमेन को, ठीक है। तो लोन का जो लिमिट है वो बता दें आपको कि इसमें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ का लोन मिल सकता है किसी भी स्टैंड अप इंडिया के तहत, किसी भी वोमेन और SC और ST को, ठीक है। फिर हम लोग जान लेते हैं कि स्टैंड अप इंडिया में कौन एलिजिबल है लोन लेने के लिए। मान लीजिए SC ST और वोमेन में जिसका उम्र 18 साल से ऊपर है वो एलिजिबल है स्टैंड अप इंडिया के तहत लोन लेने के लिए। स्टैंड अप इंडिया मेनली प्रोवाइड करता है लोन लेने के लिए। तो लोन क्यों लिया जाता है? तो मेनली स्टार्टअप और न्यू इंटरप्राइजेज, ठीक है, मेनली सेटिंग अप और न्यू इंटरप्राइजेज, मतलब जो नया इंटरप्राइज है उसको सेट करने के लिए मेनली जो स्टैंड अप इंडिया के तहत लोन है वो मिलता है। लोन उसी को मिलेगा जो फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। लोन का साइज क्या होता है? तो लॉन्ग टर्म लोन होता है। लोन का साइज आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, वो 10 लाख to 1 करोड़ होता है। दोस्तों, इसकी सिक्योरिटी की बात कर लें तो सिक्योरिटीज़ में देने होते हैं कोलेट्रॉल सिक्योरिटी के रूप में, आपको एसेट्स को मुर्गे रखना पड़ सकता है। रीपेमेंट की बात करें तो 7 साल में रीपेमेंट हो जाएगा, यानी 7 साल में आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर, और 18 महीने का मोरेटोरियम भी आपको मिल जाता है यहाँ पर। दोस्तों, इसके मार्जिन मनी की बात करें तो मार्जिन मनी में 25% मार्जिन मनी है। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसको समझने वाली चीज़ है। इसमें मान लीजिए आपको 1 लाख रुपया लग रहा है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, आपको मान लीजिए 1 लाख रुपया लग रहा है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो आपको स्टैंड अप इंडिया के तहत गवर्नमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्न करती है, वो आपको 100% लोन प्रोवाइड नहीं करेगी यहाँ पर। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपया एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लग रहा है, तो आपको 1 लाख रुपया वो नहीं देगी, वो आपको मैक्सिमम दे सकती है 75%। 25% आपको कवर करना होगा, 25% आपको कवर करना होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ABCD कंपनी है, ठीक है, जिसमें 1 लाख रुपया लग रहा है उसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, 1 लाख रुपया का पूरा खर्चा आ रहा है उसको स्टार्ट करने के लिए। 1 लाख में 50,000 मैंने अपने पास से लगाया, 50,000 मैंने अपने पास से लगाया उसके लिए, उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। रेस्ट कितना चाहिए और 50,000, तब मेरा 1 लाख जगह फुलफिल होगा। तो इसमें हम 50,000 का, अगर हम चाहेंगे कि 75% अपना बिजनेस के खर्च का 75% लोन ले लें, तो लोन नहीं मिलेगा यहाँ पर, 50% नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने 50% कंट्रीब्यूट कर दिया है। तो आप लोन उतना ही ले सकते हैं जितना कि आपका पैसा मिलाकर और गवर्नमेंट का पैसा मिलाकर 100% पूरा हो जाए। समझ में आया कि नहीं? एक बार और समझिए, मान लीजिए 1 लाख रुपया पूरा लग रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने में, उसमें अगर आपने 50% लगा दिया तो आपको 50% का ही लोन मिलेगा। अगर वही आपने 25% लगाया तो आपको 75% का लोन मिलेगा। लेकिन आपने अगर 20% का यहाँ पर अपना पैसा लगाया, 20% अगर अपना पैसा लगाया, अगर 1 लाख आपके बिजनेस को स्टार्ट करने में लग रहा है, आपने अगर 20,000 रुपया लगाया, तो आपको यहाँ पर 80,000 का लोन भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैक्सिमम लिमिट तो 75 ही है। तो आपको 75 तक ही मैक्सिमम मिल सकता है, और अगर आप ज़्यादा लगाते हैं तो फिर 100% का फुलफिल का जो गैप होगा उसको गवर्नमेंट फुलफिल करेगा। जैसे आपने 50 लगाया तो आपको 50 ही मिलेगा, लेकिन वही आप 25 लगाए तो आपको 75 मिल सकता है, क्योंकि 75 मैक्सिमम लोन है गवर्नमेंट की तरफ से। तो किसी भी बिजनेस का जितना खर्च लग रहा है स्टार्ट करने में, उसका 75% तक गवर्नमेंट दे सकता है। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में तो आ ही गया होगा, थोड़ा सा तो जरूर समझ में आ गया। अगर डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में करके लिख के बताइए, और डाउट को वहाँ पर हम आपको क्लियर करेंगे। और हो सके तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे।